एक लड़की जो भरोसा करके एक लड़के के घर रहती है, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, और जब बात शादी की आती है तो उस लड़की की टुकड़ों टुकड़ों में काट कर हत्या कर दी जाती है। मल्लिका, 16 दिनों की वो मिस्ट्री, और अब ये राज से पर्दा उठ चुका है, और जिसने भी इस खबर के बारे में सुना, दिल दहला देने वाला ये पूरा मामला है, किस तरह से एक लड़की ने विश्वास किया, प्यार किया, और बदले में उसके साथ क्या हुआ। मल्लिका जी, अर्पिता जी, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी, और इस खबर ने सबको हिला कर रख दिया। जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरिंदगी की सारी हदें इस खबर ने पार कर दी है, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, और देखिए, 5 महीने तक जब लड़की की कोई खोज खबर नहीं मिली तो परिवार वालों ने जाकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। उस जगह पर पहुंचे जहां लड़की उस लड़के के साथ रह रही थी। दरअसल ये मुंबई की लड़की जो कि दिल्ली में शिफ्ट हो गई जब परिवार वालों ने हामी नहीं भरी इनके रिलेशनशिप को लेकर, उसके बाद बकायदा वो अपने उस आफ्ताब के साथ, अपने साथी के साथ दिल्ली आकर रहने लग जाती है। और यहाँ आकर जब वो शादी की बात करती है तो आफ्ताब को ये नागवार गुजरता है, और उसके बाद उसकी हत्या कर देता है। और ये समझिए आप, टुकड़ों टुकड़ों में उसको काट कर उसको शिफ्ट करता है। हालांकि अब उसकी गिरफ्तारी हुई है तो वो खुद बता रहा है कि लाश के कितने टुकड़े किए और कहां कहां इसको डिस्पोज किया। आफ्ताब क्यों हत्या की? आफ्ताब कुछ बोलेंगे? आफ्ताब कुछ बोलेंगे? आफ्ताब क्या रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब कब से रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब, आफ्ताब कब से रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब कब से जानते थे आप श्रद्धा को? आफ्ताब आप कब से जानते थे श्रद्धा को? आफ्ताब आप श्रद्धा को कब से जानते थे? आफ्ताब आप श्रद्धा को कब से जानते थे? आफ्ताब क्यों हत्या की? आफ्ताब कुछ बोलेंगे? आफ्ताब कुछ बोलेंगे? आफ्ताब क्या रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब कब से रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब, आफ्ताब कब से रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब कब से जानते थे आप श्रद्धा को? आफ्ताब आप कब से जानते थे श्रद्धा को? आफ्ताब आप श्रद्धा को कब से जानते थे? आफ्ताब आप श्रद्धा को कब से जानते थे? स्तन कर देने वाला ये हत्याकांड है, और जहां पर आफ्ताब श्रद्धा के कत्ल करने के बाद उसके शरीर के टुकड़ों को जिस फ्रिज में रखता था वहां पर हमारे सहयोगी पहुंचे और उन्होंने पूरी क्राइम सीन का जायजा लिया। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। बैठकर श्रद्धा की लाश के सामने सोचता रहा, उसके बाद वो एक फ्रिज खरीद करके ले आया। ये फ्रिज आप देख पा रहे हैं जिसे दिल्ली पुलिस ने सीज किया है। ये फ्रिज खरीद करके आफ्ताब लाता है, उसके बाद फ्लैट में इस फ्रिज को रखता है, उसके बाद श्रद्धा की बॉडी के लगातार वो टुकड़े करता है, उन टुकड़ों को इस फ्रिज में वो रखता है, और जैसा पूछताछ में उसने बताया है कि एक एक टुकड़ा रोज वो फ्रिज से निकालता था, पॉलिथीन में डालता था, उसके बाद बैग में उसे रखकर तकरीबन रात को 2 बजे आफ्ताब अपने फ्लैट से निकलता था, और छतरपुर के आसपास जो जंगल है वहां रोजाना एक टुकड़ा फेंकता था। बॉडी पार्ट को वो पॉलिथीन में जरूर लेकर जाता था, लेकिन जब वो फेंकता था बॉडी पार्ट का टुकड़ा तो पॉलिथीन से निकाल कर फेंकता था ताकि आसानी से जल्दी जो बॉडी है वो डिस्पोज ऑफ हो सके, कोई जानवर उसे खा सके। तो बकायदा हत्याकांड को अंजाम देता है। सोची साजिश के तहत वो फ्रिज, ये काफी बड़ा 300 से 350 लीटर का ये फ्रिज है, वो लेकर के आता है, उसके बाद बॉडी पार्ट के जो टुकड़े हैं वो इस फ्रिज में रखता है, और रोजाना जो अभी तक जानकारी मिली है तकरीबन 16 से 17 दिन वो एक एक टुकड़े इस फ्रिज से निकाल करके छतरपुर के जंगलों में फेंकता है। तो एक तो जघन्य हत्याकांड, श्रद्धा की गला दबा के वो हत्या करता है, उसके बाद लाश के पास बैठकर वो घंटों ये सोचता है कि कैसे लाश को ठिकाने लगाना है। सूत्रों के मुताबिक जो आफ्ताब है उसने सेफ का कोर्स भी किया हुआ है, इस वजह से उसने उसे एक्सपीरियंस था, इस वजह से उसने बकायदा एक हथियार लाया घर के अंदर और जो बॉडी पार्ट है उसके टुकड़े किए और उसके बाद फ्रिज में रखा, और इस तरीके से जो बॉडी पार्ट है उसको ठिकाने लगाने का प्लान उसने बनाया था। कैमरामैन अंकित के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। आफ्ताब ने 300 लीटर का फ्रिज खरीदा था, लाश के टुकड़े वो फ्रिज में रखता था,
और श्रद्धा की अगर बात करें तो वो आफ्ताब के साथ ही दिल्ली आई थी मुंबई से। लाश के टुकड़े उसने इसके बाद जंगल में फेंके। शादी के लिए श्रद्धा उस पर दबाव बना रही थी और आफ्ताब ने कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, वो हर रोज एक टुकड़ा फेंकने के लिए जाता था। आफ्ताब से झगड़ा होने के बाद माना जा रहा है कि आफ्ताब ने उसका कत्ल किया। मुंबई का रहने वाला है आफ्ताब और श्रद्धा के साथ उसका रिश्ता था। श्रद्धा की हत्या की आफ्ताब ने और श्रद्धा मुंबई की रहने वाली थी और आफ्ताब के साथ ही वो दिल्ली आई थी। हत्या के आरोपी ने श्रद्धा की लाश के कई टुकड़े किए थे और धीरे धीरे उन्हें वो ठिकाने लगाता रहा। और दरिंदगी की ये पूरी कहानी जिस किसने भी सुनी रोंगटे खड़े हो गए। कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस को मुंबई पुलिस ने जानकारी दी कि श्रद्धा वॉकर नाम की लड़की गायब है और उसके परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी आफ्ताब के घर पर पहुंच गए। आफ्ताब से पुलिस ने पूछताछ की और फिर सारा राज सामने आया। अब जरा सोचिए, जिस इंसान से प्यार किया वही बेरहम कातिल निकला। आफ्ताब ने श्रद्धा का बेरहमी से कत्ल किया। मुंबई के रहने वाले थे श्रद्धा और आफ्ताब दोनों, और आफ्ताब के साथ श्रद्धा दिल्ली आई थी। और आपको हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार देखिए इस खौफनाक हत्याकांड से जुड़ी जानकारी भी दे रहे हैं, कत्ल की पूरी कहानी आपको दिखा रहे हैं, कैसे उसने सबूत मिटाने की कोशिश की ये भी हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद से हम और ज्यादा जानकारी लेते हैं। अरविंद, वाकई इस खबर के बारे में जैसे जैसे जानकारी सामने आ रही है रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बेहद ये गंभीर मामला है, इसमें अभी क्या ताजा जानकारी आपके पास? जी देखिए, बेहद खौफनाक की हत्याकांड है और मैं आपको बताऊं, जो आफ्ताब है अभी तक उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने नहीं आया है। और आपको बताऊं कि दोनों ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे श्रद्धा की बात की जाए चाहे आफ्ताब अमीन पूनावाला की बात की जाए, दोनों ही अच्छी फैमिली से आते हैं। मुंबई में दोनों की मुलाकात हुई, कॉल सेंटर में वो काम करते थे, वहाँ से लव अफेयर चला है। श्रद्धा की फैमिली वाले इसका विरोध कर रहे थे, जिसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा से शादी का वादा किया। दोनों दिल्ली आते हैं, साउथ दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक फ्लैट किराए पर लेते हैं और कुछ दिन तक रहने के बाद उन दोनों में झगड़े होते हैं। आफ्ताब ने कबूल किया है कि उसने जो हत्याकांड है वो सडन प्रोवोकेशन में दोनों के बीच झगड़े हुए, जिसके बाद उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन उसके बाद फ्लैट के अंदर लाश मौजूद रहती है, वो प्लान बनाता है कि उस बॉडी को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे ठिकाने लगाना है। उसके बाद वो एक छोटी आरी लेकर आता है, श्रद्धा की बॉडी के कई टुकड़े करता है पीस में। उसके बाद वो फ्रिज लेकर आता है, फ्रिज की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जिसे दिल्ली पुलिस ने सीज किया है, उस फ्रिज में उन टुकड़ों को रखता है और रोजाना एक टुकड़ा वो बकायदा छतरपुर के पास एक जंगल है वहां पर ठिकाने लगाता है। तो इस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया। आफ्ताब की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है आपको बताऊं, और बेहद संपन्न परिवार से भी है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया और हत्याकांड के बाद जिस तरीके से उसने बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया, जाहिर सी बात है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जी बिल्कुल अरविंद, और जिस तरह से आप एक एक जानकारी बता रहे हैं ऐसा लगता है कि मानो किसी शातिर क्रिमिनल ने सोच समझ कर एक हत्या को अंजाम दी और उसके बाद सबूत मिटाने के लिए वो किस हद तक गया ये भी आप हमें लगातार बता रहे हैं। लेकिन ऐसा आखिर श्रद्धा और आफ्ताब के बीच क्या हुआ कि आफ्ताब इस तरह से हैवान बन बैठा, क्या इससे जुड़ी जानकारी भी मिल पाई है पुख्ता तौर पर? देखिए, दो बातें सामने आई हैं, दो बातें अभी तक सामने आई जिसको पुलिस पुख्ता करने की कोशिश करेगी। एक तो जो लिविंग में रहते थे आफ्ताब और श्रद्धा, परिवार वालों का कहना है कि शादी का झांसा दिया था उसने। वहीं दोनों यहां पर लंबे वक्त से लिविंग रिलेशन में रहते थे। आफ्ताब का कहना था कि पूछताछ में उसने ये बताया है पुलिस वालों को कि दोनों के बीच झगड़े होते थे और किसी न किसी बात को, और वो झगड़े फिर बड़ा रुख अख्तियार कर लेते थे। उसके बाद एक दिन 18 मई को झगड़ा होता है, जिसमें काफी दोनों के बीच बहस होती है और उसके बाद वो श्रद्धा की गला दबा के हत्या कर देता है। तो शादी श्रद्धा शादी के लिए दबाव बना रही थी, एक वजह यह भी हो सकती है, लेकिन
आफ्ताब ये फिलहाल बता रहा है कि दोनों के बीच झगड़े होते थे छोटी मोटी बातों को लेकर, और एक दिन वो झगड़ा काफी बड़ा हो गया, बहस काफी ज्यादा हो गई, जिसके बाद उसने गला दबा करके हत्या कर दी। तो ये दो मोटिव अभी तक सामने आ रहे हैं। हालांकि आफ्ताब से अभी लंबी पूछताछ होगी, क्योंकि अभी बॉडी के जो कई टुकड़े हैं वो पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। अभी जो टुकड़े बरामद भी हुए हैं उनकी डीएनए सैंपलिंग कराई जाएगी, ताकि ये पता चल सके कि वो श्रद्धा की बॉडी है या नहीं है। लेकिन आपको बताऊं कि जब मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा और जब दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब को हिरासत में लिया, तो पहले तो उसने मना कर दिया कि श्रद्धा तो यहाँ है नहीं और महीनों पहले वो जा चुकी है। लेकिन जब सस्टेन इंटरोगेशन किया गया आफ्ताब से, तब उसने कबूल किया कि उसने श्रद्धा की हत्या कर दी है गला दबा करके। उसके बाद उसके बॉडी के टुकड़े किए, फ्रिज खरीद करके लेके आया, उस फ्रिज में बॉडी के टुकड़े रखे, और उसके बाद रात को 2 बजे वो एक टुकड़ा निकाल करके ठिकाने लगाने जाता था। ये भी पुलिस ने बताया है कि जो टुकड़ा बॉडी का होता था उसको पॉलिथीन में डालता था, लेकिन जब फेंकने जाता था तो वो पॉलिथीन हटा देता था, ताकि जो बॉडी है वो आसानी से डिस्पोज ऑफ हो सके, आसानी से कोई जानवर का टुकड़ा उसे खा सके। तो पूरी तरीके से जो सबूत है वो मिटाने की कोशिश की थी और कामयाब भी रहा था, क्योंकि मई की ये घटना, आपको बताऊं मई की ये पूरी वारदात है, और नवंबर में इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ, पड़ोसियों को भी इसकी जानकारी नहीं हो पाई, इतने शातिराना ढंग से उसने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। यानी कुल मिलाकर उसके कबूलनामे के आधार पर ही अब आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है।